देम है ना तो आप उन, आप ऐसी कौन सी चीजें हैं ऐसी कौन सी चीजें आपने अपने पेरेंट्स से सीखी हैं जिसके लिए आप बहुत शुक्रगुजार हैं और वो चीजें आपको बहुत ज्यादा प्रेरित करती हैं आपको वो चीजें यहाँ पे सोचनी है तो दर्शन ढोलकिया गुजराती राइटर थी है ना उन्होंने यहाँ पर अपने आ, वर्क के बारे में बताया कि कोंकणी नॉवल किस तरीके से उन्होंने लिखी है एक साउथ गोवा में बोली जाने वाली भाषा है और उन्हें गुजराती साहित्य परिषद से भी अवॉर्ड किया गया है उन्हें गुजराती लिटरेचर में कई उन्होंने ऐसे कंट्रीब्यूशन किया है जहाँ पे उन्हें बफुलेश अवार्ड से भी सम्मानित किया गया किया जा चुका है तो ये इनके ट्रांसलेशन को अशोक वैष्णव ने इनके गुजराती में लिखे लिटरेचर की से आर्टिकल को उसको उन्होंने इंग्लिश में यहाँ पे कोड बताया ट्रांसलेट किया है तो ये आर्टिकल है एक परिचय पर्व फेस्टिवल और रिलेशनशिप तो फेस्टिवल रिलेशनशिप को यहाँ पे त्यौहार से से तुलना की गई है और जो परिचय पर्व एक किताब है उसका लिया गया एक ही पार्ट है तो उसमें कई रिलेशन्स के बारे में इन्होंने बताया है जैसे कि क्लोज़ रिलेटिव्स हैं फ्रेंड्स हैं सबके बारे में बोला गया है और डिटेल में वो उन चीज़ों को अपने रिलेशनशिप के बारे में चीज़ों को बताया गया है तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये एक माँ और बेटी के रिश्ते को यहाँ पे पोर्ट्रे किया गया है बताया गया है और उनकी माँ का नाम है रसिका बाला ढुलकिया तो रसिका बाला ढुलकिया जो है किस तरीके से अपने अंदर जो चीज़ें हैं उन्होंने माँ माँ से जो चीज़ें एक बच्चे को अंदर किस तरीके से डाली जाती हैं किस तरीके से, से सेल्फ रिस्पेक्ट है सेल्फ इस्टीम है आत्मविश्वास है है ना खुद के लिए सोचना खुद के लिए चीज़ों को समझना तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे एक चीज़ों को बताया गया है एक इंडियन फैमिली सिस्टम में है ना तो आप हमेशा हम सोचते हैं कि आ, हर फैमिली सिस्टम एक अलग होता है इन आप अमेरिका में चल जाओगे वहाँ पे फैमिली सिस्टम अलग है आप आ, किसी और देश में देखोगे तो वहाँ का हर जगह का फैमिली सिस्टम अलग होता है तो किस तरीके से एक माँ ने अपनी बेटी को अपने भारतीय परिवार के सिस्टम में किस तरीके से चीज़ों को उन्होंने बताया संभाला वो सारी चीज़ें यहाँ पे दर्शाई गई हैं और उसे हम आगे इस चीज आगे पूरे चैप्टर में इसी से रिलेटेड चीज़ों को समझेंगे कि वो किस तरह से एक माँ भी थी एक अच्छी इंसान भी थी और एक तरह से एक अच्छा ह्यूमन नेचर जो होता है ना एक औरत भी थी एक औरत होना एक इंसान होना एक माँ होना ये सब अलग अलग रोल निभाए जाते हैं और उन्होंने उन सारे रोल्स को किस तरीके से अपने जीवन में अपने अंदर भी अपनाया है और अपने अपने अंदर से ये चीज़ें अपनी बेटी में भी उन्होंने डाले हैं तो यहाँ पे वो चीज़ों के बारे में बा ने जिस तरीके से रसिका बाला जो कैरेक्टर्स थे कि वो एक अच्छी पत्नी थी एक अच्छी बेटी रही, एक अच्छी बहन रही है ना तो एक तरह से हीरो जैसे होता है ना कैरेक्टर में किसी कहानी में कोई हीरो होता है तो वो यहाँ पर वो हीरो जो है दर्शना जो है अपनी माँ को मानती है उस बारे में पूरा आर्टिकल में बताया गया है और किस तरह से वो अपने डेली जो कठिनाइयों को झेलते हुए भी किस तरीके से अपने बच्चों को उन्होंने पाला पोसा बड़ा किया दुनिया की हर तरह की बुरी नज़र से हर तरह से उन्होंने एक एक स्वाभिमान भरी जिंदगी आत्मसम्मान किस तरीके से पाया जाता है कैसी चीजों को समझा जाता है ना वो पूरी बातों को चीजों को यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है रसिका रसिका बाला के बारे में दर्शन ढोलकिया ने अपनी माँ के बारे में कि किस तरीके से उन्होंने इतनी कठिनाइयों से झेलने के बाद मुझे हर तरीके से अपना जो भी चीज़ें स्किल्स उन्हें आते थे उन्होंने मुझे सिखाए और मुझे बहुत एक अच्छा इंसान बनाया तो वो यहाँ पे एक पर एक पैर फर्स्ट पैराग्राफ में जैसे आप देख सकते हैं कि बहुत तरीके से लोग आप जीवन में आप कई लोगों से मिलते हो बचपन में अपने दोस्तों से फिर कॉलेज में अपने रिलेटिव्स लोगों से मिलते लेकिन एक जो एक हमेशा एक चेहरा उसके आँख के सामने रहता है वो उसकी माँ का चेहरा यहाँ पर हमेशा एक सामने दिखता है उसे हमेशा और वो बहुत ज़्यादा अपने माँ से प्रेरित रही है ये बात वो यहाँ पर कहती है कि कभी भी जो पहले बचपन में उसकी सोच थोड़ी अलग थी है ना और जब वो बड़ी होती तब थो थोड़ी अलग थी अब जो उसकी सोच है ना वो थोड़ा एक अपने अपने खुद उसने अपने जीवन में कई तरह की दिक्कतें झेली परेशानियों का सामना किया तो वो सारी चीजें अब वो ज्यादा अच्छे से समझ पा रही है जो वो पहले उतना चीजों को नहीं समझती थी तो उसने बताया है यहाँ पे कि वो जब उसकी माँ जो है थर्टी नाइन ईयर्स ओल्ड की थी उनतालीस साल की थी तब वो पै, वो पैदा हुई है और करीबन पाँच साल की थी जब तब वो उसने अपने पिताजी को खो दिया था तो यहाँ पे वो चीजों पूरा इमेजिन कर रही है अब कि एक तो आप ये समझ सकते हैं कि थर्टी नाइन ईयर्स की एज में एक औरत का माँ बनना आज के ज़माने में भी, भी कहीं ना कहीं लोग थोड़ा सा जज करते हैं गलत समझते हैं या आपके ऊपर खिली उड़ा सकते हैं हंस हाँ सकते हैं तो साफ समझ सकते हैं उस समय भी ये चीज़ों को भी बहुत ओल्ड एज वजह से माना जाता था तब तो और भी ज़्यादा उन्हें कई तरह की प्रॉब्लम्स झेली गई होंगी लोग तो मजाक भी उड़ाते हैं इस बात को लेकर के तो जब वो पाँच साल की थी तब उसके पिताजी का पिताजी का देहांत हो गया था और इस तरीके से वो लैम्प ऑफ लाइफ मतलब एक जीवन का जो दिया था उनका धीरे धीरे शांत हो रहा था जब हम जवान रहते हैं यंग रहते हैं तो हमारे अंदर एक अलग से एक एनर्जी रहती है एक फायर रहती है एक आग रहती है और वो एक एक उम्र के साथ धीरे 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 बुझने लगती है तो जो लैम्प ऑफ फायर था वॉज इज़ वॉज स्लोली इनवेटिवली फेडिंग आउट तो वो धीरे धीरे बुझ रहा था और सैडनेस जो है वो उदासीपन जो उसके माँ के जीवन में थी वो धीरे किस तरीके से उसके चेहरे पे उसके माँ के चेहरे पे आ रही थी उसने पूरा जो ट्रेजेडी थी जो प्रॉब्लम्स उन्होंने झेली थी वो यहाँ पे उन्होंने डिस्कस की हुई है और जैसे ही सुबह का जो सीन था हॉस्पिटल का जो सीन था वो यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि किस तरीके से उसकी माँ ने उस, उसने वो अब वो पाँच साल की थी तो उसने अपनी माँ को शायद बहुत सजे धजे बहुत सुंदर वैसे आ, कपड़ों में देखा नहीं था उसने जब थोड़ी उसको होश आया मतलब जैसे एक होता है ना कि अब बचपन में बहुत से आपको जब अब आप तो तीन साल के रहते हैं चार साल के रहते हैं तो बहुत सी धुंधली यादें रहती हैं तो उसकी दिमाग में भी मन में भी बहुत धुंधली यादें हैं अपनी माँ की बहुत सुंदर अच्छे कपड़ों में लेकिन जब से उसने थोड़ा सा चीज़ों को समझना शुरू किया पांच साल की हुई तभी से अपनी मां को उसने एक बहुत ही अलग से अवतार में देखा जैसे कि उसके पिताजी के जाने के बाद एक काली साड़ी में ब्लू ब्लाउज़ यहाँ पे बताया गया है बिना आ, हाथ में चूड़ियाँ नहीं नोज़ पिन नहीं एयर नहीं है ना और नंगे पैर रह रही हैं और सर में तेल अच्छी ये सारी चीज़ें दिखाए बताई गई हैं कि तेल नहीं है सर में सूखे है हैं तो ये सारी चीज़ें तब क, 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 उस जमाने में औरतों को विधवा होने के तौर पर झेलनी पड़ती थी करनी पड़ती थी तो ये स्टोरी के थ्रू आपको समझना है कि एक चेहरा दिखा दिखाया गया है समाज का कि किस तरीके से औरतों को कितनी कठिनाइयां झेलनी पड़ती थी ये ऐसा नहीं था कि वो कहीं ना कहीं कुछ समय तक तो होता है इंसान अपना आप विधवा हो जाती है कोई औरत तो वो सजना धजना पसंद नहीं करती है या चीज़ों को उससे दूर भागती है लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो <clears throat> समाज के ज़्यादा समाज के द्वारा थोपी जाती थी कि आपको अब आपका जीवन जो है आपके पति के बिना कुछ भी नहीं है तो वो और ज़्यादा ही आपको एक गहराइयों में गम की गहराइयों में डुबाता जाता है लास्ट में लाइन भी लिखे डिस्पाइट बिंग इमोशनली शार्टर्ड बाय द डेथ ऑफ हर हस्बैंड बार रिमेन कम्पोज लेकिन वो उसकी माँ इतनी स्ट्रॉन्ग थी इतनी दृढ़ निश्चय उनका इतना मजबूत था उनका मन कि वो फिर भी हार नहीं मानी और अपने आप को कमज़ोर नहीं पड़ने दी अपने पिता के अपने पति को होने के बाद भी क्योंकि उन्हें पता था कि उनके दो बेटे हैं और एक बे बेटी है जिस बेटी को वो ज़्यादा ध्यान देती थी क्योंकि उन्हें पता था एक औरत होने के नाते कि एक लड़की को कितनी सारी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं लेकिन वो चाहती थी कि उनकी बेटी पढ़े लिखे आगे बढ़े है तो ना जैसे आपके आस भी आप देखेंगे कि आपके मामा जी जो हैं वो बहुत अच्छे पद पर बैठे हैं है ना बहुत नाम कमा रहे हैं मैं ऐसे किसी उस कंटेक्स में नहीं कह रही लेकिन ये आप अक्सर देखोगे कि हर किसी की माँ उस उस टाइम पे जैसे उस जमाने में वो उस जगह पर नहीं है जहाँ हमारे आज आ, मामा जी लोग बैठे हैं क्यों ऐसा या हमारे बड़े पापा आप चाचा लोगों को देख ले लेकिन हमारी बुआ हैं या हमारी मौसी हैं या हमारी माँ हैं है ना वो एक हाउस वाइफ बन करके ही रहेगी क्योंकि उन उस समय उतनी आज़ादी नहीं थी औरतों के पास कि वो अपने जो भी करना चाहती हैं अपने जीवन में कुछ पाना चाहती हैं कुछ बनना हैं तो उस चीज को हासिल कर सके जल्दी शादी कर दी जाती थी या बच्चे हो जाते थे और इन्हीं कामों में वो व्यस्त हो जाती थी तो यहां पर वही दिखाया गया कि ये सिर्फ सातवीं पास है है ना आके स्टोरी में आप नए डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा वो सिर्फ सातवीं पास रहती हैं और उसके बावजूद वो उनके अंदर जो एक सोच होती है ना जैसे आप देखते हैं कि कोई अगर नेता है या कुछ भी है तो बहुत सारे ऐसे संविधान में ऐसे संशोधन है या बहुत सी चीजें बनी हुई हैं जहाँ पे आप ज्यादा पढ़े लिखे ना होने के बावजूद भी आपको एक मौका दिया जाता है क्यों क्योंकि आप जो जीवन की गहराइया है जो तकलीफ़ें हैं शायद वो आप जड़ से जानते हैं जड़ से महसूस किए हैं तो हो सकता है जो आपका जो डिसीजन लेने का जो तरीका है या चीज़ों को सोचने का तरीक़ा है वो थोड़ा अलग होता है इसलिए आपको इस तरीके से मौका दिया जाता है ज़रूरी नहीं है सिर्फ किताबी ज्ञान से ही चीज़ें हम प्राप्त कर सकें तो यहाँ पर भी उनकी माँ ने बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन जितना भी वो पढ़ी थी लेकिन जो एक, एक इंसान के अंदर जो चीज़ें होनी चाहिए वो उन्होंने अपने अंदर बहस, अपने अंदर डाली थी और वो अपने बच्चों में भी वो चीज़ डालना चाहती थी चंदा जो चंदा जोशी एक और हैं वो डॉक्टर हैं वो आती हैं और आ, आ, बोलती हैं कि आ, उनकी मम्मी को सिलाई कढ़ाई ये सब चीज़ों की बहुत अच्छी समझ थी और उन्हें ये सारी चीज़ें स्किल्स आते थे तो उन्होंने अपनी बेटी को भी चीज़ सिखाया और फिर उन्होंने ये कहा कि नाओ नथिंग रिमेन्स बी डन बाय एनी वन टू वेलकम गेस्ट इन आर हाउस तो ये लाइन इसलिए कही उन्होंने कि अब किसी का आना जाना का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है यहाँ पे कुछ जिस घर में कुछ बता बचा नहीं है क्यों नहीं बचा है क्योंकि आप अब अब आपके पति का साया आपसे हट चुका है अब आपकी ज़िंदगी तो कैसे जाएगी एक काले रूम में अकेले आपको बितानी पड़ेगी न जहाँ पे धूप भी आपके पैरों पे नहीं छू सकती ये ये अगले पैराग्राफ में आप ये चीज़ पढ़ेंगे तो ये क्या है सोसाइटी का है ना ग्रोइंग इन अ सोसाइटी रिडल विद डॉगमा एंड ट्रेडिशंस तो जो सोसाइटी के बनाए गए उसूल हैं नियम हैं है ना उन चीज़ों को निभाते निभाते औरतें कितनी तकलीफ़ें झेलती हैं है ना कितनी कठिनाइयों का और शर्मिंदगी का सामना करती हैं वो यहाँ पे बताया गया है और किस तरीके से उनके बच्चों पर भी जो दया का भाव लोग दिखाते थे वो भी उन्हें पसंद नहीं आता था और दर्शना कहती हैं कि वो इतना होने के बाद भी जिस तरीके से लोग अरे बिना पिता के बच्चे हैं ऐसे करके या कुछ चीज़ें बोल करके उन्हें बोला जाता था तो वो चीज़ों को अपने बच्चों के अंदर नहीं सुनने देती थी कि वो उन उन उस ची उन बातों पर वो कुछ रिएक्ट नहीं करती थी वापस या कोई और उनका नहीं रहता था सिनेरियो कि वो उस चीज़ पर वो दया को एक्सेप्ट करें वो हमेशा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी पर रहने पर बिलीव करती थी कि नहीं खुद पर आत्मविश्वास होना चाहिए किसी के दया के दया को नहीं अपने मतलब उस चीज़ को नहीं सहना चाहिए क्योंकि अगर ऐसा होगा तो शायद वो वो इंसान आपको कल को यूज़ कर सकता है ना आपकी मजबूरी का आपकी मजबूरी का फायदा उठा सकता है किसी तरीके से तो वो पूरी चीज़ों को यहाँ पे बताती हैं कि किस तरीके से छोटी छोटी हरकतों पे किताबों पे कवर चढ़ाना है या स्कूल जाना है स्कूल से आके अपने कपड़ों को रख कर के अपना अच्छे से तह करके रखना है तो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें थी जो कि वो अपनी एक माँ अपनी बेटे को सिखाती है और वो चीज़ों से वो क्या सिखाती है पूरा आप पैराग्राफ पढ़ेंगे ये तो एंड में लाइन आती है कि दैट इज़ वॉट डिसिप्लिन लाइफ इज़ ऑल अबाउट तो वो एक तरीके से डिसिप्लिन रहना डिसिप्लिन रहना सिखाती हैं अपनी बेटी को कि किस तरीके से खाने को लेकर के या और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें कहती हैं कि ये चीज़ों से आपके बिहेवियर में बहुत फ़र्क पड़ता है जैसे हमें कहा जाता है कि आप खाना खाते खाते फोन मत चलाइए है आप दो काम को एक साथ मत करिए क्यों मत करिए क्योंकि आपकी आदतें भी वैसी बन जाती हैं आप कभी एक काम भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे अगर आप एक साथ दो काम करने का सोचेंगे तो ये जो है ना कि एक नियम का पालन करना है ना सदा आचरण रखना अनुशासन अपने जीवन में रहना तो ये एक अनुशासन मर्यादा मन में जो सब अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखना वो सारी चीज़ों को यहाँ पे बताया गया है उन्होंने एक माँ ने अपनी बेटी को सिखाया है कि किस तरीके से आप अपने दिमाग को अपने मन को अनुशासित के और न, 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 मतलब आप अच्छे से अपने मन को एक नियंत्रण पर रख सकते हैं तो यहाँ पे दंड देने का भी कर, तरीका भी ऐसे ही था कि द रिजल्टिंग ह्यूमलेशन वॉज हर वे ऑफ पनिशमेंट है ना कि अगर कोई चीज़ें आपने अपने पिताजी से बाइक मांगी है या आपने स्कूटी मांगी है और आपके पापा ने या मम्मी ने कहा कि इस महीने नहीं अच्छा रिजल्ट लाओ तब आपको मिलेगी तो आपको वो पनिशमेंट मिल रही है लेकिन वो पनिशमेंट आपके भले के लिए ही है ना तो यहाँ पे वही चीज़ें बोली गई है ना कि आपको वो चीज़ समझनी है कि एक माँ कैसे अपनी बेटी को कि बहुत सारी चीज़ें वो सिखाती है एंड अकॉर्डिंग टू हर लर्निंग वॉज अ इंस्टिंगटिव एंड इनवॉलेंट्रली प्रोसेस एंड टीचिंग वॉज अ प्रोसेस ऑफ इम्पोजिंग बट दैट ऑफ इंस्टिलिंग तो एक तरह से अंदर उनके चीज़ों को समझाना चाह रही थी अपनी बेटी को कि किस तरीके से चीज़ों को अपने जीवन में अमल करना चाहिए अच्छी चीज़ों को और हर तरह से कुछ मन में कैसे कोई चीज़ को बैठाना है वो शिक्षा दे रही थी ये एक तरह का एजुकेशन है ये कोई बात को बताना है या ये कोई बस एक कहने वाली बातें नहीं है ये एक तरीके की एजुकेट कर रही थी है ना वो किसी को कोई चीज़ें ए बी सी डी पढ़ा देना नंबर्स पढ़ा देना दैट इज़ डिफरेंट थिंग लेकिन दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एजुकेशन ओनली तो ये एजुकेट कर रही थी लाइफ के बारे में एजुकेशन मिल रही थी हाउ टू हैव अ सेल्फ इस्टीम अपने अंदर आत्मसम्मान कैसे लाना है और वो अपने बड़ों का कितना आदर करती थी यहाँ पर भी वो उन्होंने बताया है कि वो किस तरीके से नमस्ते बोलना है या बहुत सारी चीज़ें हैं शी इज़ ट्राइंग टू टीच हर चाइल्ड इन अ सर्टेन वे और यहाँ पे पूरा डिस्कशन किया गया है कि हाउ केयरफुली हाउ एकदम ध्यान से वो अपनी बेटी को ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें अपनी बेटी को सिखाती थी कि कभी अपने लाइफ में कमज़ोर नहीं पड़ना है उन्हें बड़ों का कैसे आदर करना है उनके पैर छूना है वो अपनी पति की भी बहुत इज्जत करती थी बहुत ज़्यादा उन पर नछावर थी उन पर हर तरीके से ना, अपने अपनी ससुराल अपने ससुराल में भी अपनी भाभियों को और अपने घर के बच्चों को घर के बुज़ुर्गों का बहुत रिस्पेक्ट करती थी तो ये पूरी सिनेरियो को यहाँ पे दिखाया गया कि कैसे अपने 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 पति के लिए भी वो उनके प्यार में पागल थी मैडली इन लव विथ हर हस्बैंड भी बोला जाता था कि वो इतना फेमस थी उस चीज़ के लिए कि अपने हस्बैंड की कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हैं क्यों क्योंकि उनके परमिशन के बिना वो कहीं नहीं जाती थी लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि उनके पति कहीं से भी किसी तरीके से उनके ऊपर हावी होने होते थे या ऐसा कुछ था वो वो भी बहुत बराबर तरीके से बहुत रिस्पेक्ट करते थे अपनी पत्नी की और वो यहाँ पे बताया गया अगर इतना अगर वो गम में थी हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर इतने गम में थी तो गम में होने से ये भी तो पता चलता है ना हमें कि वो अपने पति से कितने करीब थी तो यहाँ पे सोसाइटी का दिखाया है कि एक हस्बैंड का सपोर्ट कितना अच्छा होता है और एक औरत के लिए एक वाइफ के लिए कितना अलग तरीके से हो सकता है कितना सपोर्टिव हो सकता है तो वो सारी चीज़ों को यहाँ पे बताया गया है कि सोसाइटी में मॉडर्न थिंकिंग से भी किस तरीके से आप मॉडर्न modern, मॉडर्निटी को दिखा सकते हैं मॉडर्निटी डजेंट मीन कि आप जीन्स टी शर्ट पहन रहे हैं दैट इज़ मॉडर्निटी मॉडर्निटी यहाँ से भी नेक्स्ट पैराग्राफ में भी हमें पता चलती है कि उन्होंने मॉडर्निटी को इस तरीके से दर्शाया है कि उन्होंने बोला भी कि कभी तुमसे लाइफ में किसी भी तरह की गलती हो जाएगी तो अपनी गलतियों को सुधारना हार नहीं मानना या कभी सुसाइड करने का मत सोचना अपने जीवन को अंत करने का मत सोचना उन्होंने बहुत बड़ी लाइन कह दी थी कि अब तुम यहाँ से बाहर पढ़ने जा रही हो अब तुम्हें आदमियों जैसी जिंदगी जीनी पड़ेगी तो वो बताता है कि ये सब जो जो चीज़ें सिखा रही थी उनकी माँ तो वो एक मॉडर्नि थिंकिंग है यही मॉडर्निटी है ये नहीं है कि आपने किस तरीके के कुछ कपड़े पहन लिए हैं तो दैट इज वॉट मॉडर्निटी मॉडर्निटी कम्स फ्रॉम मेंटल अवेयरनेस है ना कि आप मेंटली कितना लिबरली कितना चीजों को सोचते हैं कितने बोल्ड डिसीजन और कितने कॉन्फिडेंट रहते हैं अपने लाइफ में दीज आर कॉल्ड मॉडर्निटी मॉडर्निटी के अर्थ को उन्होंने अपनी बेटी को इस तरीके से सिखाया था और फिर अंत में वो उनकी आखिरी समय की बातें यहाँ पे बताई गई है महाशिवरात्रि के दिन वो धीरे धीरे अपने अपनी सांसें अपना, अपना सांस उनकी ख़त्म हो रही थी उसकी अपना दम तोड़ रही थी और साठ मिनट जो उन्होंने इतना दर्द झेला है वो यहाँ पर दिख बताया गया है कि उस दर्द में भी वो भगवान का नाम ले रही थी वो शिव जी की बहुत आराधना करती थी और उन्होंने जो पूरा एक्सपीरियंस है वो अपने लाइफ का जो भी उन्होंने सीखा अपनी माँ से या अपने किसी अपने घर वालों से बड़ों से उन्होंने अपनी बेटी के अंदर उस चीज़ों को डाला है और अपने एक्सपीरियंस के थ्रू अपने बेटी को एक अच्छा जीवन दिया और यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं कि हर लास्ट वॉज वॉर आई हैव नो वरीज़ अबाउट यू यू आर नाउ ग्रोन अप now. अब उन्हें पता था कि अब मुझे कोई चिंता नहीं है मैंने बहुत अच्छी तरीके से अपनी बेटी को पाला पोसा बड़ा किया है और बहुत तरह की चीज़ें उसे ऐसे सिखाई हैं जिससे वो अपने जीवन में बहुत खुशी खुशी आगे बढ़ सकती है इवन उसके पापा जब ख़त्म हो गए थे उसके बाद भी उसके भाई की शादी बहुत जल्द उसी समय होने वाली थी फिर भी उन्होंने शादी जैसी सेरेमनी को निभाया पोस्टपोन नहीं की शादी तो ये दिखाता है कि वो कितने अपने डिसीजन पे एकदम मजबूत खड़ी रहती थी और कभी झुकी नहीं कभी किसी के सामने उन्होंने सर नहीं झुकाया कि मेरा मेरे पति नहीं है अब तो या किसी तरीके की तकलीफों को किसी के सामने रोया कभी भी नहीं बस अपने की पैसों के लिए किसी के सामने रोए या आंसू हाँ है कि हाँ मुझे कोई मदद कर दे ऐसा उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया अपने बच्चों को बड़े सम्मान के साथ अपने चीज़ों को उन्होंने सब चीज़ संभाली और आगे बढ़ती गई और अपने बेटी के अंदर वो चीज़ों को डाली है। यहीं पर रसिका बाला के बारे में दर्शन ढूंढ किया दर्शन ढूंढ के अपने माँ के बारे में पूरी चीज़ें उन्होंने यहाँ पर कही है और एंड में वो कहते भी हैं कि आई एम वेरी प्राउड आई सेप्ट इन दाई वूम है ना और वो बहुत प्राउड फील करती हैं कि मैं आपके कोख में कभी जन्म ली थी और मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ कि मैंने अपने अंदर जो आपकी चीज़ें हैं आपकी दी हुई ज्ञान को अपने अंदर मैंने समेटा और आज मैं जो खुली सांस ले रही हूँ या जिंदगी जी रही हूँ वो आपके उसूलों की वजह से ही आपके सिखाए वैल्यूज़ की वजह से ही लेसन्स के वजह से ही आज मैं इतने आगे पहुँची हूँ एक राइटर बनी वो चाहती तो गुजराती हम सोचते ना कि हम इंग्लिश हमें इंग्लिश में लिखेंगे हिंदी में लिखेंगे अगर इंग्लिश में नहीं लेते तो हमारी नॉवेल्स हमारी चीज़ें कोई कौन पढ़ेगा ऐसा आपको नहीं सोचना ऐसा वो सोच ही होती कि मुझे तो सिर्फ गुजराती आती है तो मेरी किताब कहाँ तक जाएगी कहाँ तक लोगों तक ये मैसेज पहुँच पाएगा लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने जैसा आता था उन्होंने वैसा ही लिखा और बच्चों तक हम लोगों तक पहुँचाया और एंड शी इज़ प्राउडली गॉड सो मैनी अवार्ड्स ऑल्सो है ना उन्हें इतने बहुत पुरस्कार से सम्मानित किया गया उनकी इस कहानी को आज हम भी पढ़ रहे हैं आई एम वेरी थैंकफुल कि आज मैं आप लोग को ये चीज़ें पढ़ा पा रही हूँ एक माँ और बेटी के रिश्ते के बारे में बता रही हूँ तो क्वेश्चन आंसर में यू विल से कि माय फर्स्ट क्वेश्चन में रहता है कि वाई डज ऑर्थ से दैट माई प्रेजेंट पिक्चर ऑफ हर इज फार मोर ऑब्जेक्टिव दैन इट वॉज देन यहाँ पे बोलता है ना कि उनकी जो आज की जो एक दिमाग में छवि बनती है वो बहुत अलग तरीके की है जो कभी बचपन में थी है ना तो वो क्यों अलग थी क्योंकि उस समय वो चीज़ों को उतना नहीं समझती थी लेकिन आज वो खुद बड़ी हो गई हैं इतने साल हो गए हैं उन्होंने चीज़ों को और समझा तो और वो उस तरीके को और क्लियरली और साफ तरीके से आज समझ पाती हैं तो उन्होंने बोला भी चंद्र चंद्र वाई ड्रेन और नथिंग रिमेन्स टू तो बी एवर डन बानी वन बिकॉज़ मैंने बताया था कि बिना पिता के ज़िंदगी बिना पति की ज़िंदगी कैसी होती है कैसी झेलनी पड़ती है समाज के है बहुत सारे दकियानूसी रूढ़ीवादी सोच से लड़ना पड़ता है ना और वो रूढ़ीवादी सोच को यहाँ दिखाया गया है कि बिना पति के ज़िंदगी जो है बहुत दूभर होती है अब तुम्हारे जीने में तो कुछ बचा ही नहीं है ऐसा यहाँ पे दर्शाया गया है इस बात से सो हाउ डिट बिहेव इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डर मेम्बर्स ऑफ द फैमिली शी यूज़ टू बिहेव वेरी पोलाइटली बहुत पोलाइटली बहुत सम्मान तरीके से अपने घर के बुजुर्गों की वो सेवा करती थी बच्चों की सेवा करती थी वो सिर्फ so, उनके च तरफ ही पूरी दुनिया थी बीच में वो थी शी द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड और उनके तरफ सारे बच्चे हैं सारे घर के बुजुर्ग हैं अगर वो अगर विधवा होने के नाते उन्हें ज़मीन में बैठना पड़ता था तो वो सब घर पे अगर ऊपर चारपाई पे बैठे हैं तो वो नीचे ज़मीन में बैठती थी और बच्चे उनके खड़े रहते थे तो इन सब चीज़ों को उन्होंने कभी ऐसे मन में बच्चों के बसने नहीं दिया कि ये बहुत बड़ा टॉर्चर है ऐसा कुछ है ना उन्होंने जैसा नियम था वैसा उन्होंने चीज़ों को संभाला और कभी भी ऐसा नहीं महसूस करने दिया अपने बच्चों को भी कि आपकी तरह तरफ कोई टॉर्चर है कोई अत्याचार है बहुत strongly, बहुत स्ट्रांगली मजबूत रह कर कि उन्होंने सब चीज़ों को झेला अपने लाइफ में और अपने बेटी को भी पूरा दर्शन न अपनी माँ के बारे में इतना गहराई से सोचती है और यहाँ पे वो बताई है सो हाउ डिड बा अर्न द टाइटल मैटली लव विध हर हसबेंड हमने पहले भी पढ़ा था क्योंकि वो अपने पिता की अपने पति की बहुत इज्जत करती थी जहां अगर कुछ ऐसी जगहें होती थी जहां उनके पति नहीं जाते तो तो वो भी नहीं जाती थी तो ये सारी चीज़ें इस डिस्कस की गई हैं प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन बाई योर ओन अपने से सॉल्व करने की कोशिश करें थैंक यू सो मच